इवन वर्क के फाइव फोरम से पहले टू हो तो उसे हम इनफैक्ट बोलते हैं। इसका टाइप वन पहला सेंटेंस लिखा है सी टू राइट ई लेटर, आई एम टू प्ले हेयर, वी आर टू कॉल यू, यू आर टू डू वर्क, ही टू सिंग ए सॉन्ग, दे आर टू कुक फूड। तो यहाँ पर जो वर्क की फर्स्ट फॉरम है सब में टू लगा हुआ है तो इसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसका ऐसे हम कैसे बनाएंगे, तो जो यहाँ अंडरलाइन के बाद जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट बचा हुआ है और ये जो शुरुआत में लिखा है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट एज आर एम टू बी बी थ्री बाई सब्जेक्ट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉरम से टू हो तो टू बी बी थ्री हो जाता है उसका पैसिव। तो पहले में ए लेटर एज टू बी, टू प्लस टू बी रिटर्न, सी को हमने बाई हर, हेयर इज टू बी प्लेड बाई, आई को मी में, यू आर टू बी कॉल्ड बाई आस, वर्क इज टू बी डन बाई यू, ए सॉन्ग इज टू बी संग बाई हिम, फूड इज टू बी कुकेड बाई देम। ये पार्ट टाइप वन हो गया। अब आपको टाइप टू, ये टाइप टू, इसमें पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई वाज टू गो होम, वी वर टू रेंज यूटेंसिल्स, यू वर टू कट ट्री, ही वाज टू सेल फ्रूट्स, शी वाज टू बाय ट्रेन। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा है तो ये भी इन्फिनिटिव हुआ और ये इसके बाद वाला जो चीज है ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे सब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन को बाय या वर्ब लेना है, टू बी वी थ्री, टू प्लस वी वन को टू बी वी थ्री और बाई सब्जेक्ट। तो पहला जैसे है होम, होम के साथ क्या आया बाज, टू बी, गो की थर्ड फॉरम गॉन, वाई, आई को हमने मी में बदल दिया, अटेंसिल्स बर्तन होते हैं जिसका मतलब एस जुड़ा हुआ है तो ये प्लूलर है, तो बर टू बी रेंजेड बाई अस, ट्री बाज टू बी कट वाई यू, फ्रूट्स इसमें भी एस जुड़ा हुआ है तो क्या लेंगे बर टू बी सोल्ड वाई ही को हिम, ड्रेस बाय टू बी वॉट वाई हर। इसके बाद हम टाइप थ्री सीख रहे हैं तो जिसमें हैव टू हैव टू हैव टू हैव टू या हैव टू कराएगा। तो इसमें माय सिस्टर हैव टू बाई ए न्यू कार, हिज ब्रदर हैव टू सेल फ्रूट्स, देयर पेरेंट्स हैव टू डू वर्क, अवर स्टूडेंट हैव टू कुक फूड। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है ये पसेसिव वर्ड आया है, उसके बाद नाउन आया है और हैव टू हैव टू जिसका मतलब है पढ़ता है पढ़ती है, इसमें टाइप थ्री का वन लिखा हुआ है तो इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा कैसे क्या है। तो इसकी मजबूरी कंपल्जन वाले सेंटेंस है, इसका पैसिव ऑब्जेक्ट हैज हैव टू बी बी थ्री बाई सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें जैसे ए न्यू कार है तो ए न्यू कार हैज टू बी बॉट, बाई की थर्ड फॉरम क्या हुई बॉट बाई माई सिस्टर, फ्रूट्स हैव क्योंकि एस जुड़ा हुआ है ये प्लूरल हो रहा है तो फ्रूट्स हैव टू बी सोल्ड बाई हिज ब्रदर, वर्क हैज टू बी डन बाई देयर पेरेंट्स, फूड ये जो हैज टू बी कुकेड बाई अवर स्टूडेंट्स। यदि आपको ये सब समझ में आ रहा तो प्लीज माई चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का की घंटी जरूर दबाएं। ये टाइप थ्री का सेकंड पार्ट है, इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव टू स्टे हियर, वी हैव टू कॉल हर, यू हैव टू डू वर्क, ही हैज टू फिल वाटर, शी हैज टू गो होम, दे हैव टू प्ले हॉकी। तो पहले वाले सेंटेंस में था उसमें पसेसिव था और इसमें ये सब्जेक्ट रूप ही है और हैव टू हैव टू सेम। तो इसका पैसिव बनाने में थोड़ा अंतर रहेगा, क्या रहेगा कि पैसिव स्टिकर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा और उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हम ए जा रहे हैं में से लेंगे और शब्द नया जोड़ेंगे वो क्या रहेगा ऑब्लाइड, क्या जोड़ा जाएगा ऑब्लाइड टू वी वन ऑब्जेक्ट, यानी कि टू वी वन ऑब्जेक्ट, टू वी वन ऑब्जेक्ट ये जो है ये सब सेम रहेगा, कहाँ पर रहेगा सेम यहाँ पर, ये टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस का रहेगा क्या आई का, आई एम ऑब्लाइज टू क्या स्टे हियर, तो वी, वी के साथ आर आएगा तो वी आर ऑब्लाइज टू कॉल हर, यू आर ऑब्लाइज टू डू वर्क, ही इज ऑब्लाइज टू फिल वाटर, सी इज ऑब्लाइज टू गो होम, दे आर ऑब्लाइज टू प्ले हॉकी। तो ये पार्ट टाइप थ्री का सेकेंड पार्ट हमें समझ में आया।
ऐसे ही आगे आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हम इम्परेटिव यानी इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव बना रहे हैं, जिसमें टाइप थ्री का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेंटेंस, आई हैड टू गो होम, वी हैड टू फिल वाटर, सी हैड टू कॉल मी, यू हैड टू प्ले फ्लूट, ही हैड टू कुक फूड। यहाँ पर पहले आई हैड टू गो होम मतलब मुझे घर जाना पड़ता था, हमें पानी भरना पड़ता था, उसे मुझे बुलाना पड़ता था, यू हैड टू प्ले फ्लूट तुम्हें बांसुरी बजाना पड़ता था, ही हैड टू कुक फूड उसे खाना पकाना पड़ता था। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी हैड टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के सब्जेक्ट ही रहेगा यहाँ पर, और उसके सब्जेक्ट के अनुसार हम बाज या बर और ऑब्लाइट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट जैसे कहते हैं जोड़ देंगे। तो इसको दो तरीके हैं, दोनों का समझते हैं। तो पहले का क्या देखो, होम हैड टू बी गोन बाय मी पहले टाइप से, दूसरा वाटर हैड टू बी फिल्ड बाय अस, आई मी को आई में चेंज किया, आई हैड टू बी कोल्ड बाय हर, फ्लूट हैड टू बी प्लेड बाय यू, फूड हैड टू बी कुकेड बाय हिम। ये पहले वाले स्ट्रक्चर की तरीके से हमने बना दिया। दूसरा टाइप का कैसे बनाएंगे, जैसे पहले सेंटेंस का आई था सब्जेक्ट तो आई ही लिया, आई के साथ हम क्या लगाते हैं बाज और ऑब्लाइट, फिर यहाँ पर टू गो होम क्या लिखा है टू गो होम ये जैसे कहते ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा देखो वी के साथ हम क्या लेंगे बर, ऑब्लाइट टू फिल वाटर है ये, तो ये टू फिल वाटर जैसे कहते ऐसा लिखा हुआ है। तीसरा आई हैड टू बी कॉल्ड बाय हर ये तो कैसे है, तो इसमें सी हैड टू कॉल मी है, तो सी बाज ऑब्लाइट टू कॉल मी। चौथा नंबर का है यू हैड टू प्ले फ्लूट, तो यू बर ऑब्लाइट टू प्ले फ्लूट, ये ही बाज ऑब्लाइट टू कुक फूड, यानी कि जो सेंटेंस है जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। तो ये दोनों टाइप हमें समझ में आए हैं आई होप। तो इसका फूड उसका बना रहे हैं, तो यहाँ पर फूड टाइप में पहला वाला नंबर डला है क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के रहेंगे और सारे इंफिनिटिव के रहेंगे, तो देयर इज नथिंग टू लॉस्ट होने के लिए वहाँ कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू इट खाने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू कुक पकाने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू राइट लिखने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू प्ले खेलने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर रहेगा देयर इज नथिंग जैसे का तैसा है टू लॉस्ट टू ईट टू कुक टू राइट टू प्ले, मतलब इतने कई पैसे बनेगा। तो इसका पैसे बनाने के लिए टू बी बी थ्री, तो देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट, देयर इज नथिंग टू बी ईटन, देयर इज नथिंग टू बी कुकेड। यहाँ पर गौर करें आप तो सारे चीज समझ, देयर इज नथिंग टू बी रिटर्न, देयर इज नथिंग टू बी प्लेड। टाइप फोर का टाइप सेकेंड, तो देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, वहां करने के लिए बहुत सारा काम है, देयर इज ए लॉट ऑफ फूड टू ईट, देयर इज ए लॉट ऑफ बुक्स टू रीड पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, देयर इज ए लॉट ऑफ मिल्क टू सेल। तो देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर टू डू करने के लिए बहुत सारा काम है, खाने के लिए बहुत सारा भोजन है, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, पीने के लिए बहुत सारा पानी है, बेचने के लिए बहुत सारा दूध है। ये सेंटेंस का सार रहेगा। तो इसका भी पैसिव स्ट्रक्चर हम बनाएंगे देयर इज ए लॉट ऑफ और जो नाउन है वो रखाएंगे टू प्लस बी वन को टू बी बी थ्री में चेंज करेंगे। तो देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, देयर इज ए लॉट ऑफ फूड टू बी ईटन, देयर इज ए लॉट ऑफ बुक्स टू बी रीड, देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर टू बी ड्रंक, देयर इज ए लॉट ऑफ मिल्क टू बी सोल्ड। लेटर टू राइट, तो यहाँ पर देयर आर सिक्स लेटर टू राइट, देयर आर टू बुक्स टू रीड, देयर इज ए कप टू सेल, तीन सेंटेंस ही लिखे हुए हैं। तो इसका पैसिव देखो देयर हेल्पिंग वर्ब जो है वो रहेगी, और जो नंबर सिक्स टू ए आई ए और जो नाउन आई है सिंगुलर प्लूरल जैसी भी है टू राइट है इसका टू बी बी थ्री, मतलब वही रूल रहेगा लेकिन टाइप वाइज लिख रहे हैं। तो देयर आर सिक्स लेटर टू राइट को हमने किस में चेंज कर दिया टू बी रिटर्न में,
टू रीड को टू बी रीड, टू सेल को टू बी सोल्ड, और ये पैसिव बन गए हमारे। टाइप फोर का फोर टाइप है, तो इसका देयर इज नो टाइम टू लॉस, मतलब खोने के लिए कोई भी समय नहीं है। देयर इज नो मनी टू डोनेट, दान करने के लिए कोई पैसा नहीं है। देयर इज नो फूड टू ईट, खाने के लिए कोई भोजन नहीं है। देयर इज नो वर्क टू डू, करने के लिए कोई काम नहीं है। देयर इज नो मिल्क टू वास्ट, यानी कि बर्बाद करने के लिए कोई दूध नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो देयर इज नो, और जो नाउन है वो रखेंगे टू बी वी थ्री, मतलब टू प्लस वी वन को टू बी वी थ्री में पैसे बनाते हैं। तो देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड, देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड, देयर इज नो फूड टू बी ईटन, देयर इज नो वर्क टू बी डन, देयर इज नो मिल्क टू बी वास्टेड। अब हम टाइप फाइव, टाइप फाइव, तो इसमें आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर द लॉस, मतलब मैं घाटे के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ या मैं दोष नहीं लगाता हूँ। तो दोषी नहीं हूँ का सेंस है मैं घाटे के लिए दोषी नहीं हूँ, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर का सेंस आ रहा है। तो आई एम नॉट टू ब्लेम है तो टू बी ब्लेम्ड फॉर द लॉस, ही इज नॉट टू ब्लेम फॉर द स्टीलिंग, व चोरी का आरोपी नहीं है तो ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग, ये टाइप फाइव हुआ। अब इसके आगे हम टाइप सिक्स पढ़ेंगे। टाइप सिक्स में इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर, इट इज नेसेसरी टू रीड बुक, इट इज नेसेसरी टू राइट लेटर, इट इज नेसेसरी टू कॉल मी, इट वॉज नेसेसरी टू बीट यू। तो इट इज नेसेसरी का मतलब है आवश्यक है, देखो गरीबों की मदद करना आवश्यक है, किताबें पढ़ना आवश्यक है, पत्र लिखना आवश्यक है, मुझे बुलाना आवश्यक है, तुम्हें पीटना आवश्यक था, ये सेंटेंस का अर्थ रहेगा। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और नेसेसरी को हम रिक्वायर्ड में चेंज कर देंगे, और टू जो है और बी भी थ्री ये रहेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जैसे पहले में द पुअर, यहाँ द पुअर का मतलब होगा सभी गरीब लोग, तो हमने यहाँ लिख दिया ऑल पुअर पीपल। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लेंगे, आर लूलर हो रहा है, और नेसेसरी को रिक्वायर्ड में चेंज किया टू बी हेल्पिंग। फिर दूसरे में बुक इज रिक्वायर्ड टू बी रीड, लेटर इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन, आई एम रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड, क्योंकि मी को हम सब्जेक्ट आई बनाएं, आई एम रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड। यू यहाँ पर बाय लगा है तो क्या लिया हमने, बर, यू बर रिक्वायर्ड टू बी बिटन। तो ये टाइप सिक्स हुआ आपका।